फाइन। माफ कर दो एरिक। छोटी रेलगाड़ियाँ गोल चक्कर पर इकट्ठा हुई हैं। हेलो दोस्तों। ओ हाय एरिक। हेलो। तुम्हें एक नई बात पता चली? कौन सी बात? कुछ दिनों के बाद हमारे प्लांट में एक फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल? मेरा तो सुनकर ही दिल खुश हो गया। अच्छा लगा ना, वहाँ गाना गाएंगे और आतिशबाजियाँ होंगी। आतिशबाजी होगी, मजा आएगा। हाँ तो क्या वहाँ हम सब एक साथ चलें? हाँ ज्यादा मजा आएगा। हाँ। चलो अब मैं चलता हूँ, याद रखना तुम लोग। ठीक है। एरिक कितना खुश है ना? हाँ सच में। आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ गया। हमें अब चलना चाहिए। लेकिन एरिक तो अभी तक नहीं आया। वो आया क्यों नहीं अब तक, जबकि उसी ने जाने को कहा? हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा ही इंतजार था, चलो चले। तुम्हें मेरे बिना ही जाना होगा। क्या? पर क्यों? बताओ ना। मेरी अचानक ड्यूटी लग गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है तुम लोग मजे करोगे। मजे तो आएंगे, चलो जल्दी चलते हैं। नहीं एरिक, हम तुम्हारे बिना नहीं जा सकते। हाँ एरिक, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। ऐसा कहने के लिए बहुत शुक्रिया। अब जाना होगा, चलो बाद में मिलता हूँ। ध्यान से काम करना। बाय बाय एरिक। डीजल, ये कैसे कह दिया कि उसके बिना चले जाएंगे? तो क्या हम जा नहीं रहे? सच कहूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। हाँ मैं भी जाना चाहता था। आज हम सबको एक साथ छुट्टी मिली और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या करें, कुछ और करने का सोचते हैं। सुनो दोस्तों, एक बार वहाँ चलकर तो देखते हैं कि आखिर वहाँ है क्या क्या। नहीं, अगर एरिक को पता चलेगा तो बुरा लगेगा उसे। हम बस जल्दी से जाके देख के आ जाएंगे, उसे पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा ना? मुझे तो ऐसा करना ठीक लग रहा है। अगर थोड़ी देर देखना है तो। इतना मत सोचो, आओ चलते हैं जल्दी से। छोटी रेलगाड़ियाँ प्रोडक्शन प्लांट पहुँच गयी जहाँ फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ ट्रेन पेंटिंग भी हो रही है। मैं तो गाड़ी नेक्स की तस्वीर बनवाऊंगा। कोई स्टेशन आ रहा है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। सुनो दोस्तों, हम यहाँ थोड़ी ही देर के लिए आए हैं। मेरे लिए रुको। बढ़िया, कितनी अच्छी जगह है। तुम और मैं यूं ही हम मिलकर चले। हमारी दोस्ती है सबसे प्यारी, तारों जैसी चमके यारी, ये दोस्ती है यारी। अगले दिन की शुरुआत। कल मजा तो बहुत आया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, हम एरिक के बिना चले गए। मुझे भी। हाँ, आज सुबह वो मुझसे मिला भी था। हाय एरिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लोको। उसका मूड बहुत खराब लग रहा था। क्योंकि वो फेस्टिवल नहीं जा पाया इसलिए। अब हम क्या करें? कोई तो तरीका होगा जिससे एरिक का मूड ठीक हो जाए। उस रात काम के बाद छोटी रेलगाड़ियाँ एरिक को समुद्र किनारे ले गईं। एरिक, बाहर आकर अच्छा लग रहा है ना? यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आए क्यों हैं? क्योंकि हम फेस्टिवल नहीं जा पाए। हा? तो हमें लगा आज रात कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा ये बात है। वाह, आसमान में देखो टूटते हुए तारे। एक वहाँ पर भी है। हाँ एक वहाँ पर भी है। ऐसा लग रहा है आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी हो रही है? इससे एरिक को फेस्टिवल की याद आ जाएगी। कुछ सोचना होगा जल्दी। सुनो दोस्तों, तारे देखना बंद करके गार्डियन एक्स देखते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होगा। चलो जल्दी चलते हैं एरिक। हाँ। छोटी रेलगाड़ियाँ ऑडिटोरियम में पहुँच गईं। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी। और उन्हीं में से एक था वो फेस्टिवल जो ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट में हुआ। जी हाँ बिल्कुल, आइए उस फेस्टिवल के कुछ दृश्य देखें। अरे कितना अच्छा सा। आपका स्वागत है, आज मैं शामिल हुई हूँ ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट के फेस्टिवल में। हाँ? अरे नहीं,
ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट का फेस्टिवल दिखा रहे हैं ये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ है। टीवी पर है। चीज़ें कुछ करो जल्दी। ओहो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो। डीजल को बहुत तेज दर्द हो रही है, अब हम क्या करें? क्या हुआ तुम्हें डीजल? मुझे नहीं पता। हाँ? नहीं मालूम, मुझे टीओ के पास ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। गार्डियन एक्स। डीजल जल्दी मेरे साथ जुड़ जाओ। अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। क्या? पर तुम तो दर्द से कराह रहे थे। पर अब मैं ठीक हूँ। देखो गार्डियन एक्स। चलो टीवी देखें। डीजल की तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। टिटीपो टिटीपो। अच्छा दोस्तों, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अभी से? मुझे जाकर कुछ काम करना है। बाय दोस्तों। ठीक है, गुड नाइट एरिक। लगता है उसे खुश करने का हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। हाँ, वो उदास है क्योंकि फेस्टिवल नहीं जा पाया। क्यों ना हम एरिक के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखें? एरिक के लिए प्रोग्राम? हम अपने शहर में ही बहुत बढ़िया फेस्टिवल करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। एरिक को ये बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ठीक है, कल सुबह से ही तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है। अगले दिन छोटी रेलगाड़ियां फेस्टिवल की तैयारियों में जुट गई। हमें जल्दी करनी होगी। एंडी, हम अपने शहर में फेस्टिवल। टीटी पो ने ट्रेन पेंटिंग में हिस्सा लेने के लिए एंडी से बात की। जब भी रात की हो बात। जीनी और लोको फिक्स और लिफ्ट को गाने के लिए कह रहे हैं। और डीजल प्रोडक्शन प्लांट में गया है टेओ के पास। तुम्हें कल आतिशबाजी करनी है? हाँ, और एरिक को मत बताना, ठीक है? हाँ, और एरिक को मैं ना बताऊं? ओह सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा। कल मुझे कुछ और करना है। सच में? आज एरिक के स्पेशल फेस्टिवल का दिन है। कितना अच्छा सजा है। लेकिन अफसोस है, फेस्टिवल में आतिशबाजी नहीं होगी। कोई बात नहीं, हमने इतनी तैयारी की है, एरिक को उसकी कमी नहीं खा लेगी। हाँ जीनी सही कहा। हाय दोस्तों। एरिक आ गया। यहाँ पर ये सब किसके लिए? फेस्टिवल। एरिक, ये फेस्टिवल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हमें पता है तुम उदास थे क्योंकि तुम फेस्टिवल में नहीं जा पाए। मेरे लिए किया। और एरिक, हम फेस्टिवल में गए थे, माफी चाहते हैं। हाँ, फेस्टिवल में गए थे तुम सब। जब तुमने कहा कि नहीं जाओगे तो हम भी तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहते थे। पर हमारा मन कर रहा था इसलिए चले गए थे। हम माफी चाहते हैं एरिक। ये बात है, असल में दोस्तों मुझे भी कुछ बताना है। बताना है? असल में मैं भी फेस्टिवल गया था। क्या? उस रात जब मैं काम से लौट रहा था। हाँ, फेस्टिवल अभी भी चल रहा है, मुझे सबको लेकर आना चाहिए यहाँ। वाह, क्या नजारा है, कितने सुंदर हैं। थोड़ी देर देख लेता हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया। मैं माफी चाहता हूँ मेरे दोस्तों। एरिक, तुम हमारे बिना घूमने चले गए, ये ठीक नहीं किया। लेकिन डीजल, हमने भी तो वही किया ना। अरे हाँ, भूल गया। चाहे हम अलग अलग गए लेकिन हमने फिर भी फेस्टिवल तो देख ही लिया। इस बार हम सब मिलकर मौज मस्ती करेंगे। जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझ पर सबसे अच्छा डिजाइन बना दो तुम। ठीक है, हो जाएगा। क्या तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बहुत ही अच्छा गाते हैं और दोस्तों के साथ तो मजा और बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब पसंद आया। असल में मैंने भी कुछ तैयार किया है। वो यही बाहर है।
वाह, तो फिर चलते हैं। हाय, क्या तुम्हें मजा आया? ओ टियो, तुम्हें तो कुछ और काम था ना? बिल्कुल था, एरिक के साथ था। क्या, एरिक के साथ? हाँ, मैंने टियो से कहा था अगर वो कुछ आतिशबाजी कर सके तो। एरिक, तुमने कहा? लेकिन डीजल भी तो टियो के पास इसी काम के लिए गया था। पहले एरिक ने मुझसे कहा, फिर डीजल भी मेरे पास उसी काम के लिए आया, तो मुझे अजीब लगा। तुम्हारे बिना आतिशबाजी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वाह, सोचा तो हमने भी यही था, मजेदार बात है। ठीक है, तो आ जाओ सब, अब शो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हम साथ में देख रहे हैं। सच में एरिक और दूसरी छोटी रेलगाड़ियों को अब पता है कि उन्हें एक दूसरे का कितना ध्यान रहता है। एरिक और टिटिबो, एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। ओ देखो, वो रहा एरिक। चलो दिन शुरू किया जाए। वापस आ जाओ। ये टिटिबो और डीजल भी ना, लगता है फिर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। जी मिस्टर हर्ब, तुम सफर पर जाने के लिए तैयार हो? जी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओह शाबाश, टिटिबो को साथ लेते आना। ठीक है सर, मैं ले आता हूँ। हाय दोस्तों। एरिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मिस्टर हर्ब ने तुम्हें बुलाया है। बुलाया है? शायद कहीं जाना पड़ेगा मुझे। बाद में खेलेंगे डीजल। ठीक है। हाय मिस्टर हर्ब। ओह सही समय पर आए। एरिक, कल तो तुम्हारी जांच होनी है ना? जी हाँ, होनी है। हमें एक ऐसी रेल चाहिए जो तुम्हारी जगह जा सके। शायद टिटिबो तुम्हारी जगह जा सकता है। टिटिबो सर? वाह, इसका मतलब मैं बहुत दूर दूर जाऊंगा। मजा आएगा। लेकिन टिटिबो इतने लंबे सफर पर कभी गया नहीं है सर। तो तुम उसकी मदद करो ना, आज अपने साथ टिटिबो को ले जाओ और उसे समझा दो ताकि उसे परेशानी ना हो। जी सर। मैं तुम्हारा शिष्य बन गया एरिक। ठीक है। आज टिटिबो एरिक के साथ जा रहा है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। टिटिबो, अभी सिर्फ सफर पर ध्यान दो तुम। ठीक है। हमें यहाँ पर रुकना होगा। टिटिबो कहाँ जा रहे हो तुम? तितलिया। टिटिबो, तुम्हें यहाँ रुकना था। हाँ, माफ करना। हम स्टेशन पर पहुंच गए। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर? बिल्कुल सही, इस स्टेशन पर रोज बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए डाक की ट्रेन कितनी फनी है। सही कहा तुमने। अरे तुम क्या कर रहे हो? लोगों को हंसाने की कोशिश। अब बस भी करो तुम। अपना काम पूरा करने के बाद टिटिबो और एरिक वापस चूचू टाउन आ रहे हैं। एरिक, आज बहुत मजा आया। टिटिबो, आज जैसी हरकतें सफर पर नहीं चलेंगी। तुम स्टेशन से आगे चले गए और अजीब अजीब हरकतें करते रहे। लापरवाही से एक्सीडेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कल तुम अच्छे से काम करोगे। ठीक है। अगली सुबह। मिस्टर हर्ब, टिटिबो कहाँ है? टिटिबो, लगता है उसे आने में देर हो गई। क्या? मुझे माफ कर दो। आखिर तुम आ गए टिटिबो। तुम्हें यहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए था। उठने में थोड़ी देरी हो गई। चिंता मत कीजिए, मैं आज अच्छा काम करके दिखाऊंगा। तुम्हें यात्रियों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। जानता हूँ। तुम्हारे जाने का समय हो चुका है, अब जल्दी जाओ। ठीक है, बाद में मिलूंगा। काश ये सफर ठीक से पूरा कर ले।
ये वो जगह है जहाँ रेल बनाई जाती है और उनकी मरम्मत की जाती है। एरिक जांच के लिए आया है। एरिक, कुछ परेशानी है क्या? आज मेरी जगह टीटीपो सफर पर गया है, उसी की चिंता है बस। उसने अभ्यास के दौरान भी अच्छा नहीं किया और आज सुबह देर से भी उठा। फिक्र मत करो एरिक। क्या? मैं नहीं चाहता एरिक के रूट पर कुछ गड़बड़ हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टियो। उसने कल बहुत देर तक अभ्यास किया था, वो कर लेगा। टीटीपो ने और अभ्यास किया? हाँ, वो देर रात तक अभ्यास करता रहा, वो इसलिए सुबह देर से उठा था। मुझे ये नहीं पता था। मैं सोचता था टीटीपो हमेशा खेलने के बारे में सोचता है, कितना गलत था मैं। आपका स्वागत है। हेलो जीनी, शुक्रिया। हेलो, टीटीपो ने बताया था वो स्टेशन पर भी रुकेगा। टीटीपो, अजीब बात है, वो रुका क्यों नहीं? टीटीपो एक और स्टेशन से बिना रुके निकल गया। ये क्या हो रहा है? टीटीपो, टीटीपो। जांच पूरी होने के बाद एरिक वापस शहर आ गया। उम्मीद है टीटीपो ने सब ठीक किया होगा। वो घर पर नहीं है? उसको अब तक वापस आ जाना चाहिए था। हेलो एरिक। हाय जीनी। यहाँ क्या कर रहे हो? जीनी, मैं ये सोच रहा था कि टीटीपो कहाँ है, वो अभी तक लौटा नहीं है। मैंने उसे देखा था, वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। क्यों, क्या किया उसने? वो स्टेशन पर नहीं रुका और सीधा चलता चला गया। उसने क्या? तुम्हें नहीं लगता टीटीपो के साथ कुछ गड़बड़ है, है ना? मैं मिस्टर हर्ब के पास जाता हूँ। बाय। उम्मीद है वो ठीक होगा। हम बस अपने घर जा रहे थे। एरिक, बात क्या है? टीटीपो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। मैं परेशान हूँ कि कोई बात तो नहीं हुई। जानता हूँ, उससे देर हो गई है। हम भी टीटीपो का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। टीटीपो ने कोई गलती की क्या? नहीं, हम एक मुश्किल में थे और टीटीपो ने हमारी काफी मदद की। हाँ, सच में। स्वागत है सबका, कृपया ध्यान से चढ़ें। हम चल रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एरिक को खुश कर दूंगा। टीटीपो, तुमने शानदार काम किया, मुझे तुम पर नाज है। मिनी, क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बच्ची को? क्या चल रहा है बच्ची? क्या हुआ? टीटीपो, मेरी बेटी को पेट में काफी दर्द हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात शांत हो जाओ। रेल में एक लड़की की तबीयत खराब है, क्या आप में से कोई डॉक्टर है जो उसकी मदद कर सके? हाँ, अरे? मैं एक डॉक्टर हूँ। कहाँ है वो लड़की? पहले डिब्बे में। ठीक है। बहुत अच्छे, थैंक यू। क्या यहाँ पर कोई बीमार लड़की है? हाँ, यहाँ पर। ठीक है प्यारी गुड़िया, अभी देखते हैं। टीटीपो, हमें इसे इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्या, इसी वक्त? लेकिन अभी तो मुझे कई स्टेशन पर रुकना है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बीमार लड़की को इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो अगर आपको एतराज ना हो हम किसी स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। करो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। यही सही है, बच्ची की सेहत ज्यादा जरूरी है। हमारी चिंता मत करना। आप सबका शुक्रिया। टीटीपो तेजी से अस्पताल के पास वाले स्टेशन पर पहुंच गया। वो पहले डिब्बे में है।
तुम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, हिम्मत रखो। ठीक है, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल, शाबाश टीटीपो। थैंक यू। अब वो ठीक हो जाएगी। टीटीपो ने आज बहुत अच्छा काम किया। अगर टीटीपो नहीं होता तो हम मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए इलाज के बाद मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गई। टीटीपो ने आज सबका दिल जीत लिया। हाँ, और मैंने उसे कितना गलत समझा। वापस जाकर यात्रियों को छोड़ने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। लेकिन मुझे खुशी है मैंने मिनी को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ओ, एरिक क्या कर रहा है? चलो अच्छा है, मिनी अब ठीक है। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। शाबाश टीटीपो। टीटीपो, तुमसे कोई मिलने आया है। टीटीपो। मैंने आपको देखा ही नहीं, क्या आप मिनी ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। थैंक यू। तुम सबसे अच्छे हो टीटीपो। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुमने अच्छा काम किया। मुझे बहुत खुशी है कि अब मिनी ठीक है, और तुम्हें एरिक? हाँ, सुनो टीटीपो। हाँ? मुझे माफ कर दो। क्यों? अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा काम करोगे तुम, लेकिन ये सुनकर कि तुमने एक बीमार बच्ची की मदद की, मुझे बहुत नाज हुआ। शुक्रिया एरिक। मुझे चिंता थी मैं तुम्हें निराश कर दूंगा, शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अब सोने चलता हूँ। ध्यान से। ठीक है। नटखट टीटीपो ने आज बड़ी सूझबूझ से काम लिया। स्वीट ड्रीम्स। शाबाश टीटीपो। डीजल को जलन हुई। बहुत सुहानी सुबह है, डीजल और लोगो काम के लिए जा रहे हैं। हाय मिस्टर। गुड मॉर्निंग। हेलो डीजल, लोगो। एक मिनट रुको, तुम्हें एक साथ काम पर जाना है। जी। लोगों को काम के बारे में पता नहीं, इसलिए डीजल तुम उसे समझा देना। जी जरूर समझाऊंगा। लोगो मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। जी बिल्कुल। शाम को मिलेंगे मिस्टर हब। गुड बाय। तो ये है हार्बर। क्रेनी के पास चलकर कंटेनर्स लोड करवाते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग क्रेनी। आओ, सही समय पर पहुंच गए। क्रेनी, आज कंटेनर्स धीरे धीरे लोड करना। धीरे? क्यों? लोको नया है, इसलिए उसे दिखाना कि काम कैसे होता है। ठीक है, मैं समझ गया। तो चलो अब शुरू करते हैं हम। लिफ्टिंग, लोडिंग, लोडिंग। लोको, ध्यान से देखो, हर कंटेनर के बाद थोड़ा आगे बढ़ो ताकि क्रेनी को अगला कंटेनर रखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से। समझ गया। अब जब डीजल का हो गया, अब मेरी बारी है क्रेनी। ठीक कहा बच्चे। ये उठाया उठाया और ये रखा। हर लोड के बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए जैसा डीजल ने मुझे सिखाया है। अब यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं अगले कंटेनर के लिए तैयार हूँ। ओहो, जल्दी सीख गए। तो लो, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा। लो, तैयार हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ, पहले दिन तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा अच्छा किया है लोगों ने डीजल। कुछ भी बोलते रहते हो तुम। अब हमें चलना चाहिए। साथ चलो लोगो। बाय, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? लोगो अच्छा है क्योंकि मैं उसे सिखा रहा हूँ। लोगो और डीजल खदान में पहुंच गए। बस थोड़ा सा और आगे आ जाओ तुम। ठीक है। हाँ काफी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया लोगो। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये नई ट्रेन तो बहुत समझदार लगती है। तुमने ठीक कहा, और इसका तो आज पहला दिन है काम पर। बहुत बढ़िया, मैंने इसे सब कुछ सिखाया। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि डीजल क्या चीज है। मैं भी लोडिंग के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैं इन्हें हैरान कर दूंगा। शायद अब मुझे चलना चाहिए। वहाँ पर तो काम चल रहा है। रुक जाओ लोको। अरे रुको, अरे रुको डीजल, इसे क्या हो गया? रहा है लोको, रुक जाओ लोको। तुमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का निशान नहीं देखा क्या? निशान? कैसा निशान? वो रहा। जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डीजल। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। डीजल, तुम इस तरह भाग नहीं सकते। सारी लाइन पर पत्थर गिर गए। मैं भूल गया। मैं माफी चाहता हूँ। तुमने नो सीखियो वाली गलती की है डीजल, जबकि लोको ने अच्छे से लोड कराया। डीजल तुम थोड़ा ध्यान से काम करो। एक तो लोगों की मदद करो और ऊपर से इन सब की बातें भी सुनो। काम पूरा करने के बाद डीजल और लोगों वापस शहर की ओर चल पड़े। लेकिन डीजल का मूड तो कुछ खराब सा है। हम वापस आ गए मिस्टर हब। अच्छा काम किया दोनों ने। लोगों, काम का पहला दिन कैसा रहा? वो आज डीजल ने मुझे लोगों, मैंने आज तुम्हारे काम की बहुत तारीफें सुनी हैं। वाह! ज्यादातर रेल डर की वजह से गलतियाँ कर देती हैं। तुमने कमाल कर दिया लोको। शुक्रिया। डीजल को ये देखकर बुरा लगा कि सिर्फ लोको को ही शाबाशी मिली। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि लोको को अच्छा काम करना इस डीजल ने सिखाया है। जीनी, कोई जरूरी काम है। मिस्टर हब तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें पता है उन्हें क्या काम है? मुझे नहीं पता, बाकी सारी रेल वहाँ पहुँच चुकी है। जल्दी चलो। अच्छा, तो फिर चलते हैं। अरे तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, सब लोग आ चुके हैं, शुरू करते हैं। आज के बाद से माल ढुलाई का काम डीजल नहीं लोको करेगा, वो अच्छा करता है। सच में? लोको चूचू टाउन की सबसे अच्छी मालगाड़ी है। तो फिर मैं कौन सा काम करूंगा अब? तुम लोको के सहायक बन सकते हो। क्या, मैं इसका सहायक बनूं? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं नहीं बन सकता। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो क्या आइडिया आया है मुझे। टीटीपो, टीटीपो। अगली सुबह हो चुकी है। डीजल कुछ ज्यादा ही माल बोगियां ले जा रहा है। आज मेरी ताकत देखकर सब तारीफ करेंगे। डीजल तो कमाल का है। लोगों से तो काफी बेहतर है डीजल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीजल। अरे आज इतनी माल बोगी क्यों ले आए हो? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। तुम्हें पक्का विश्वास है डीजल? मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, लोडिंग हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डीजल, तुम्हें लगता है कि तुम ये खींच पाओगे? कोई शक नहीं है डीजल। हाय लोको। तुम्हारा स्वागत है लोको। गुड मॉर्निंग सर। वाओ डीजल, तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जोर लगाऊं? पहले ही कहा था, तुम कुछ ज्यादा ही लोड ले जा रहे हो। अब हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। हाँ बोलो।
क्यों ना डीजल और मैं सामान को बराबर बराबर बांट लें। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये सामान हार्बर लेकर जाना है ना? हाँ ठीक है, तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, खुद ही रास्ता ढूंढ लेना तुम। बाय। डीजल हेलो। लोको कहाँ है? तुम भी उसी को पूछोगी जीनी? हाँ। जानता हूँ कि तुम उसकी तारीफ करना चाहती हो जबकि मैंने उसे सब कुछ सिखाया है और तारीफें उसको मिल रही हैं। ये ठीक बात नहीं है। क्या कह रहे हो, सब तुम्हारी भी तारीफ कर रहे हैं। ओह जीनी टिटिपो, आ गए तुम लोग। मिस्टर हब, क्या लोको ठीक काम कर रहा है? उसे परेशानी हो रही होगी। वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे चिंता थी लेकिन डीजल की वजह से वो ठीक से सीख रहा है। ठीक कहा आपने, सब कह रहे हैं डीजल एक बहुत अच्छा टीचर है। वाह, डीजल कमाल का है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, लोको ने भी कहा उसने सब कुछ तुमसे सीखा है। लोको ने कहा? तो तुम्हें पता है वो इस समय कहाँ पर है? वो हार्बर गया था। वापस आते हुए मैंने देखा था बंदरगाह के ट्रैक पर काम चल रहा था, वो ठीक तो होगा ना? काम चल रहा था? मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे। परेशान होकर डीजल लोको को ढूंढने निकल पड़ा। लोको को अभी रास्तों का पता भी नहीं है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो? ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोको, तुम ठीक तो हो ना? क्या? हार्बर जाने वाली लाइन पर काम चल रहा है, तुम अकेले गए तो मैं डर गया। हाँ, चिंता मत करो, तुमने सब अच्छे से सिखाया था। क्या मैंने सिखाया? क्या तुम्हें याद नहीं है डीजल? जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। जब मैं हार्बर जा रहा था मैंने वही निशान देखा तो मैं दूसरे रास्ते चला गया। हाँ सही कहा, मैंने ही तो कहा था। हाँ। लोको, तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया डीजल। कहा था ना, मेरे साथ रहोगे तो सब सीख जाओगे। ये सच है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, एक शानदार और मजबूत मालगाड़ी। लोको, अगर जमकर मेहनत करोगे तो जल्दी ही मेरे जैसे बन जाओगे। पक्की बात? पक्की बात। डीजल की वजह से लोको ने पहले ही दिन अच्छा काम किया। शाबाश डीजल।